आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्र आरंभ हो चुका है। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन सोमवार 16 अक्टूबर 2023 को। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देवालयों में सुबह से ही भीड़ उमड़ती नजर आती है। माता को जल चढ़ाने के लिए न जाने कितने सुबह से ही सभी श्रद्धालु पहुंचने लगते हैं। माता का दूसरा दिन रहता है माता ब्रह्मचारिणी को पूरी तरह समर्पित। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। माता ब्रह्मचारिणी का, दरअसल माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से हो, माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है इनकी उपासना से। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारणी अर्थात तप का ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी के हाथ में जबकि माला है और बाएं हाथ में एक मंडल धारण किए हुए हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इनकी कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिन कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बिल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्हें सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिया था। पुराणों में जो कथा मिलती है उसके अनुसार हम आपको बताने जा रहे हैं। हमने आपको जो कुछ बताया पुराणों के अनुसार बताया, कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही और पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह कठोर तपस्या नहीं की, यह तुम्हें से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली, भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। देवी की इस कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी के बारे में, ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और भगवान शंकर को पति पाने के लिए लगातार ही तपस्या माता के द्वारा की गई थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पहले दिन हमने आपको माता शैलपुत्री के बारे में बताया। माता शैलपुत्री दरअसल माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिन तक शक्ति के रूप में माता की आराधना की जाती है। पहली आराधना शैलपुत्री प्रथम दिन, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा माता और 5वें दिन स्कंद माता। माता की पूजा अर्चना की जाती है। 6वें दिन कात्यायनी माता, 7वें दिन माता कालरात्रि, 8वें दिन माता महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। माता के इन 9 रूपों का पूजन अर्चन अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको माता की कृपा आप पर बरसती है, इस तरीके की मान्यता है। हम आपको बता रहे हैं माता ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है, ओम राम ब्रीम बोम ब्रह्मचारिणे नमः। हम लगातार ही आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के माध्यम से शहर के शिव की नगरी के देवालयों के आपको दर्शन करा रहे हैं। माता के जितने भी देवालय हैं, हमारा प्रयास है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की टीम का प्रयास है कि आप तक सारे देवालयों के जो भी प्रतिमाएं हैं उनके हम आपको दर्शन कराएं। माता ब्रह्मचारिणी का प्रिय पुष्प कमल है और नारंगी रंग माता को बहुत भाता है, माता को बहुत प्रिय है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट।
विभिन्न देवालयों में हम आपको दिखा रहे हैं, और हर सिवनी शहर के कमोबेश हर देवालय में सुबह पौ फटने के साथ ही, पौ फटने के पहले ही माता को जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगते हैं। माता ब्रह्मचारिणी दूसरा रूप मानी गई हैं नवरात्र में, जिनकी आराधना होती है माता के दूसरे शक्ति के रूप में, जो आराधना होती है माता के दूसरे रूप की आराधना होती है। शहर के विभिन्न देवालय हम आपको के दर्शन करा रहे हैं। अगर आप देवालयों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी कारण से आप दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के जरिए हम आपको देवालयों तक लेकर जा रहे हैं। वैसे कोविड में भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा शहर के देवालयों तक पहुंचकर उन देवालयों के दर्शन, कोविड में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, आपको वो लॉकडाउन की यादें हम ताज़ा कराते हैं कि जब सड़क पर निकलने की पाबंदी थी, घरों से निकलने की पाबंदी थी, उस दौर में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के द्वारा लगातार ही आप सभी को नवरात्र, गणेशोत्सव, हर पर्व पर आपको देवालयों के दर्शन लगातार ही कराए गए थे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। माता ब्रह्मचारिणी को कमल का पुष्प सबसे प्यारा लगता है, सबसे अच्छा लगता है, नारंगी रंग माता को बहुत भाता है। सुबह जल्दी उठकर लोग, श्रद्धालु माता को जल चढ़ाने के लिए देवालय पहुंचते हैं, माता के देवालय लगातार ही पहुंचते नज़र आते हैं। शहर के देवालय दुल्हन की तरह सजे हुए नज़र आ रहे हैं, विभिन्न जगहों पर पंडाल हैं, और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार इस बात के लिए आप सबसे अपील करती है कि जो भी पंडाल बने हैं या जहां भी गरबे हो रहे हैं, अश्लील परिधान पहनकर या अश्लीलता को बढ़ावा ना दिया जाए। गरबा संचालकों से भी यही अपील है, जो भी दुर्गा उत्सव समितियां हैं उनसे अपील है। इसके साथ ही एक अपील और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया अपनी तरफ से करना चाहती कि मतदान अवश्य करें, अपने मत का उपयोग करें, अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए अपने मत का उपयोग पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना भेदभाव के, बिना किसी लालच के जरूर करें। माता ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र ओम राम ब्रीम भूम ब्रह्मचारिणी नमः, ये मूल मंत्र, बीज मंत्र है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं, आप और क्या देखना चाहते हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।